लो भाई ऐसे आ रहे हो ऊपर से ऊपर आप खुद ही आए हो बर्फ खा रहे हैं आपको पता कैसे हम बम बोले ये देखो ये हाथ हद से ज्यादा ठंडे हो चुके हैं भाई बहुत डेंजर जोन है यहाँ भाई लो भाई सभी भाई रुके हैं भीम द्वार और खाना खा रहे हैं भाई भाइयों का तो कंप्लीट होने वाला है भाई और हम वेट कर रहे हैं और सुबह कितने बजे चलेंगे चार बजे चलने के लिए सारे रेडी है भाई दो तीन लोग डाल जय शंकर भाई खाना खा के और ये देखो बिजली विभाग मतलब 2 घंटे तक 8 से 10 बजे तक भाई आप फोन चार्ज कर सकते हो तो अगर भीम द्वार आ रहे हो तो 8 से 10 चला रहे हैं ना लाइट ही 8 से 10 तक आपको लाइट चलेगी फोन चार्ज कर सकते हो भाई तो मिलते हैं कल सुबह श्रीखंड महादेव। हेलो जय भोलेनाथ कैसे हो सब भाई आज ट्रैकिंग का आज है हमारा 3रा दिन और कल 3 बजे हम रुक चुके थे भाई भीम द्वार में परसों शाम को 3 बजे हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी कल 3 बजे यहाँ पर रुक चुके थे मतलब 24 घंटे में हम भीम द्वार ही आ चुके थे ऊपर नहीं जा सकते थे जैसे कि पिछली वीडियो में बताया भाई पार्वती बाग पे रुकने का कोई भी मतलब प्रबंध नहीं था ना जगह अब 7 किलोमीटर हमने सुबह 4:30 बजे उठे थे चलते चलते हमको 4:30 हो गए फिर अब बच चुके हैं 5 आधा घंटा चलते और देखो खड़ी चढ़ाई और ये मानिक भाई जय भोलेनाथ हर हर महादेव लो भाई और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और झरने और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम चारों के पास पानी की बोतल तो है लेकिन वो खाली है और ना कुछ भी खाने का और लोग कह रहे थे वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है देखो कैसा रहता है सफ़र जय जय भोलेनाथ ये नवीन भाई देखो भाई हाँ जय भोले जी देख लो भाई बाजी यहाँ बर्फ ही बर्फ और ये झरने अब थोड़ा सा खुला ग्राउंड सा आया है ऊपर बता रहे हैं बर्फ़ की ग्लेशियरों को पार करना है और हमने ग्लव्स लट्ठी मास्क रेनकोट दो तीन जैकेटें डाल रखी है भाई और यहाँ ऊपर आने के बाद पेड़ है नहीं तो ऑक्सीजन की कमी आपको थोड़ी महसूस होगी जय भोलेनाथ भाई 10 कदम चलते ही सांस फूल जाती है खतरनाक हो और देखो पीछे आ रहे हर बंदा चाहिए हिमाचल को 15 कदम चल रहा है ऊपर से ठंड ऑक्सीजन की कमी जय भोलेनाथ हो रास्ता तो कुल मिला के ठीक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो हर 10 कदम पे सांस फूल रही है भाई जय भोलेनाथ और यात्राएं तो आप भाई हेलीकॉप्टर से खच्चर से बुढ़ापे में भी कर लोगे लेकिन ये यात्राएं आपको पैदल ही करनी पड़ेगी श्रीखंड महादेव ये कैलाश की यात्राएं देखो मौसम तो भाई दम रहते घर से निकल के और ये यात्राएं कर लो बहुत मज़ा आ रहा है बहुत जय भोलेनाथ और शुक्रिया उसका जो बुलाया उसने 29 साल की उम्र में उसने बुला लिया भाई थैंक यू भोलेनाथ ऐसे ही सब धीरे धीरे करके सब कैलाश हो जाए भगवान का लाख लाख शुक्रिया है ओह जय भोलेनाथ अब 10 दिन बाद अमरनाथ जाना है उफ अब सांस उतरे भाई 5 मिनट बैठने के बाद ले भाई पहुंच चुके हैं पार्वती बाग और अब यहाँ कैंपिंग वगैरह लगनी चालू नहीं है होएगी क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा थी ये हटा हटो के सफाई करके बर्फ़ की और अब कैंप लगने स्टार्ट होंगे कल से कैंप यहाँ पे लगने स्टार्ट हो जाएंगे जय भोलेनाथ क्योंकि अभी इतने यात्री आए नहीं हैं थोड़े बहुत यात्री आए हैं तो इसलिए अब कल से स्टार्ट हो जाएंगे ज़्यादा हो यात्रा तो 7 तारीख से खुलेगी भाई जय भोलेनाथ ये भाई पार्वती बाग की पूरी मनमोहक है बहुत ही स्थल दृश्य बड़ा ये आप रोक के और जूम करके पढ़ सकते हो ये है पार्वती जय महामाई।
जय हो यहाँ से दिखाई दे रहा है भाई वो शिवलिंग आपको, वहाँ तक जाना है। और ये हमको हिमाचल के भाई भी मिल गया, जय बोले शंकर। भाई पानी की बोतल लाया नहीं, पीछे वाले बंदे के पास है, डिहाइड्रेशन सब महसूस हो रही है, तो ये पानी पीना पड़ेगा भाई, अगर बचना है तो ये पानी पीना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं और दीपक पार्वती बाग पे पहुंच चुके हैं भाई, वो पीछे आ रहे हैं भाई, जय भोलेनाथ। भाई कितने सुंदर नजारे हैं, सुपर। देखो भाई त्रिशूल लेके भी आए हुए हैं भाई। जय श्री शंभू, जय श्री शंभू। आगे सिर्फ बर्फ स्टार्ट होती जा रही है भाई, ये देखो भाई बर्फ के अंदर चल रहे हैं सब, जय भोलेनाथ। भाई पैर फिसल रहे हैं और बर्फ टाइट है, डंडी भी देखो चुभ नहीं रही। ये हिमाचल के भाई मिल गए, इनके साथ चल रहे हैं भाई, इनका एक्सपीरियंस है, किसी का 4 बार किसी का 2 बार सबका। जय भोले, बम बम भोले, हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो भाई सब जितने श्रद्धालु है सारे बर्फ के अंदर ही चल रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये देख लो भाई चढ़ाई, ये है अमर श्रीखंड महादेव की, बर्फ के अंदर 90 डिग्री पे भाई, 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। थोड़ा सा पैर फिसला वापस नीचे, देख लो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखो भाई सभी ट्रैक कर रहे हैं बर्फ को, नीचे तक आ रहे बंदे। हर हर महादेव, हर महादेव। देखो भाई धूप निकल चुकी है, बस यही बंदे हम पीछे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जितने 30 के बंदे हैं, 30-40। हो जय भोलेनाथ। बहुत डेंजर जोन है यहाँ भाई, बहुत ज्यादा। बुरी हालत है भाई, रास्ता बनाना पड़ रहा है भाई। जय भोलेनाथ। अरे ये बना हुआ है, ये गए थे। तो भाई हालत खराब, ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और ऊपर से भोले जी श्रीखंड महादेव, खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है भाई, रास्ते खुद बनाने पड़ रहे हैं भाई। हो जय भोलेनाथ। जो बंदा कोई कहता हो वही ब्लॉग के लिए आते हैं, तो एक बार यात्रा करके देखो, हाँ आप बना लेना ब्लॉग, खतरनाक। हाँ जाएंगे आएंगे। हाँ जी भैया कैसी फील आ रही है आप लोगों को? बस फील भैया फैंटास्टिक फील है हमारा भी, इसको पूछो ऊपर पहुंच के। काफी हमने स्ट्रगल किया नीचे से आते हुए, आप देख सकते हो कि आप खुद ही आए हुए, बर्फ खा रहे हैं, आपको पता कैसे है, पानी का यहाँ पे एक बूंदी है। देखो भाई वैसे तो बर्फ के बीच में बैठे हैं लेकिन पीने के लिए नहीं है, जैसे समुन्द्र में हो पानी के बीच में है लेकिन पीने के लिए नहीं, वही काम हमारे साथ है भाई, पीने के लिए नहीं है, बर्फ से काम। हाँ बर्फ से काम चला रहे हैं, देखो
फिर भी बर्फ देखो बंदों ने बर्फ खत्म कर दी, बर्फ खा रहे हम। ले भाई लगभग एक घंटे का रास्ता रह गया, बैठे हैं यहाँ पे देखो ऊपर। अब एक बार खड़ी चढ़ाई है और फिर नॉर्मल है, नीचे से तो 90 डिग्री चढ़ाई करते हुए आए हैं भाई। ये आगे भाई अरे पक्का डन, बैठ देखियो चलो चलो। जय हो जय बजरंग बली। जय हो जय जय श्रीखंड महादेव। तो वे पीने के लिए पानी भी नहीं, सिर्फ बर्फ से काम चला रहे हैं। और ये देखो चारों तरफ बर्फ भाई, देखो भाई हर हर महादेव। 30-40 बंदे थे जो सुबह यात्रा के लिए निकले थे भाई, अब एक घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पे है शिव और फिर वापस हर हर महादेव। खतरनाक ट्रैक है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देख लो भाई ट्रैकिंग, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देखो मतलब सुबह 30-40 बंदों का ग्रुप निकला था, वही अब कोई नीचे से चढ़ाई नहीं करेगा, जिसने करनी थी वो कर ली। अब नीचे जाएंगे वापस एक घंटे बाद। तेरा बर्फ किसी लट्ठी ऐसे करते रहो, ये भाई कर रहे हैं जैसे करना दोबारा, ऐसे लगाओ लट्ठी और फिर ऊपर चढ़ो भाई, और कोई सहारा नहीं है। यही हमारा सहारा। जय भोले जूनियर जी। जूनियर जी वो चले गया। देखो भाई बादल कैसे आ रहे हैं, अब आएगी छांव। जय भोलेनाथ श्रीखंड महादेव। और ये ऐसे रास्ते ऐसे चलना पड़ता है। जय बाबा बर्फानी, जय श्रीखंड महादेव। लाइटर लेना। देखो भाई लाइटर नहीं जल रहा, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, लाइटर बिल्कुल भी नहीं जल रहा, फुल बर्फ ही बर्फ। वो आगे महादेव। लोग आखिरकार हमारे भोलेनाथ के पास पहुंच चुके हैं। 100 मीटर रहता है भाई, 5-7 मिनट का रास्ता। बहुत टफ, बहुत ज़्यादा टफ था भाई, बहुत ज़्यादा टफ। मतलब केदारनाथ 5 और ये 100, इतना डिफरेंस है भाई। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। थोड़ा भाई पुराना चाहिए। जय भोले जय भोले। ले ले दो चार पांच। हर हर महादेव। मन में इधर लगाओ जय भोलेनाथ भाई। जय श्री गण महादेव। हाँ बना रहे। ये देखो भाई यहाँ पे ऐसे आने पड़ता है स्लाइड करके। देखो भाई जय हर हर महादेव। ये देख लो भाई ऐसे आ रहे हो ऊपर से ज्यादा स्लाइड थी तो इसलिए गोप्रो नहीं निकाला भाई, अब नॉर्मल स्लाइड आई है। तो देखो ऐसे फिसलते हुए लेट जाओ आप और चलते रहोगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ, ओ, भाई अब थोड़ी कम स्लाइड आई थी जब जाके। अरे भाई देख लो ओ, ये देखो भाई खतरनाक। ये है श्रीखंड महादेव। जय भोलेनाथ। ये देखो भाई अब ये जो कम स्लाइड आई है भाई, जब ये चालू किया है गोप्रो, वरना बहुत तेजी से आ रहे थे। चलो आइयो भाई, ये देख लो भाई। जय भोलेनाथ। कोनिया और आगे पंजे अड़ा के रखने पड़ते हैं भाई। ये देखो
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। लो भाई ऐसे कोनिया नीचे आराम से भाई आगे रुके हुए वो पंजी और कोनिया डा क्या हो गया लगी। अच्छा और देखो भाई भाई के हाथ हद से ज्यादा ठंडे हो चुके हैं भाई स्लाइड कर करके, तो ग्लव्स का प्रयोग जरूर करें। श्रीखंड महादेव वाले हर हर महादेव। जय शंभू। लो भाई हमारी बोतल हो चुकी है गुम और ऐसे पानी पी रहे हैं झरनों से हम, मैं और नवीन भाई। देखो ऊपर से झरने आ रहे हैं बर्फ पिंगल पिंगल के, इनमें पी रहे हैं पानी। ओ हर हर महादेव। भाई 6 बजने वाले हैं लेकिन अब तक मानिक और दीपक नहीं आए हैं। मैं और नवीन भाई वेट कर रहे हैं, भीम द्वार में बैठे हैं भाई हम। तीन बजे के आसपास से बैठे हैं यहाँ पे और जब से बैठे वेट कर रहे हैं भाई कब आएंगे। अगर आएंगे तो अभी निकलेंगे, वरना तो फिर भाई यहीं स्टे करना पड़ेगा। वरना सोचा तो 2 किलोमीटर पीछे तक चले जाएं, तो भाई कैंपिंग भी बढ़िया मिल जाती है यहाँ पे। आज लोड बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई व्यू